और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। चलो और सरल भाषा में समझ लीजिए राजा से। गोली दवाई नाक से खाई जाती है कि मुंह से खाई जाती है? बोलते जाओ जरा, मुख से। और विक्स नी मुंडा से खा जाओ तो जरूरी नाक से ही उसको लगाना जरूरी है। बताया है ना स्थान कि विक्स लगाना तो नाक से लगाना, गोली खाना तो मुंडा से खाना, और अगर कोई ऑयडेक्स लगाना तो ऊपर से लगाना, ना तो इसको नाक में डालना है, इसको ऊपर से मल देना है, या बाम है तो ऊपर से मल देना है, ठीक है? उसी तरह शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी से लेकर चरणारविंद तक के बीच में किस किस जगह पर, और सरल में समझो फिर पहुंचते हैं वो कौन सा, वो एक रेकी वाले होते हैं ऐसा कुछ, मेथी दाना या लगा देते हैं और ऐसा ऐसा वो लपेट देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है? हाँ बस वो थेरेपी ध्यान रख लूं मैं तो, ठीक है? आप लोगों ध्यान रख लेना जो भैया जी बोले, ठीक है? तो वो थेरेपी के अंतर्गत यहाँ मेथी दाना लगा दिया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ मूंग का दाना लगाया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ चावल फंसा दिया, यहाँ लपेट दिया, तो उससे बीमारी को हरने के लिए करते, बोलो सही है ना? इसीलिए करते हैं ना। और कहीं कहीं एक्यूप्रेशर वाले मिलते हैं कि यहाँ का पंच दबाएंगे तो कि ये 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 दबाओ तो सिर बंद हो जाए, ये दबाओ तो पेट बंद हो जाए, ये दबाओ तो पांव बंद हो जाए, ये दबाओ तो हाथ, सही है? उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तु बारह महीने खाओ मत खाओ, कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तु जरूर खाओ। और सत्तु चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना रहा भारत में ही।